हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2023 में गाजियाबाद यूपी में कोर्ट मैच का क्या प्रोसीजर है। आपने यूट्यूब गूगल इधर उधर आप कहीं से भी बात कर लें, आप जनरली आपके मन में एक सवाल होगा कि सर हर व्यक्ति यह कह रहा है कि मैं आपकी कोर्ट मैच गाजियाबाद से ही करा दूंगा, एक दिन में करा दूंगा, कहीं के भी रहने वाले हों तब भी करा देंगे, नोटिस नहीं जाएगा, इस तरीके से करा देंगे। तो दोस्तों, यह बात अपने आप में सच है। गाजियाबाद में कारण यह है कि यूपी गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आप आयुष्मान मंदिर में शादी कर चुके हैं तो सेम डे आप उसका कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज करने की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कभी घर पर नोटिस नहीं जाता है, नहीं आफ्टर मैरिज, नहीं बिफोर मैरिज। दूसरा, यहाँ पर पेरेंट्स की विटनेस को मैंडेटरी नहीं किया गया है। तीसरा, आप कहीं के भी रहने वाले हों, यहाँ पर लोकल आईडी एड्रेस प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जहाँ का भी आधार कार्ड में आपके एड्रेस है उसके भी यहाँ पर आप अपने गाजियाबाद में मैरिज करा सकते हैं। लोकल के आईडी एड्रेस प्रूफ की यानी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। मगर दोस्तों, यह है बात केवल हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट दोनों पर ही लागू होती है। यानी अगर आप इंटरकास्ट हैं, सेम रिलीजन के हैं, तभी आप गाजियाबाद यूपी में अपना शादी करा सकते हैं। और आप दोनों इंटर रिलीजन हैं तो आप चाहे गाजियाबाद के हो या गाजियाबाद के बाहर के हो या अदर स्टेट हरियाणा पंजाब राजस्थान कहीं के भी हो, तो आप अपना गाजियाबाद में अपना कोर्ट मैरिज नहीं करा सकते हैं। क्योंकि यूपी गवर्नमेंट का रूल ये है, अगर आप इंटर रिलीजन है यानी हिंदू मुस्लिम है या मुस्लिम क्रिश्चियन है, तो पहले आप डीएम ऑफिस में परमिशन लीजिएगा अपने एरिया के, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में डीएम में परमिशन लेकर आएंगे, तब कन्वर्जन होकर के तब शादी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे यह कहता है कि आप चाहे हिंदू मुस्लिम हो, इंटर रिलीजन हो, किसी भी रिलीजन के मानने वाले हो, तब भी हम आपका डिफरेंस रिलीजन होने के बावजूद मैरिज करा देंगे, तो यह बात अपने आप में गलत है। यूपी के गाजियाबाद क्या पूरे उत्तर प्रदेश में इंटर रिलीजन मैरिजें बंद हैं। विदाउट डीएम परमिशन के या विदाउट फैमिली विटनेसेस के आप यहां पर अपना मैरिज नहीं करा सकते, और 2021 से बंद है। मगर उसके बावजूद भी इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा से हमारे पास कॉल आते रहते, सर हम वहां चले गए, हमने आपका वीडियो बाद में देखा, वकील साहब ने हमें ठग लिया, नोटरी पेपर पर मैरिज करा दी, फर्जी मंदिर सर्टिफिकेट दिलवा दिया। तो दोस्तों, ऐसे लोगों और ऐसी चीजों से बचें, वरना कई बार ऐसा होता है कपल को जेल भी जाना पड़ता है, क्योंकि घर से कपल निकल चुके हैं, कोर्ट मैरिज हुआ नहीं है, फर्जी पेपर लिए घूम रहे हैं, नोटरी एफिडेविट मैरिज, उधर पेरेंट्स ने किडनैपिंग मिसिंग का एफआईआर करा दिया, तो ऐसी सिचुएशन में कपल को जेल जाना पड़ता है, मोस्टली लड़के को। तो ऐसी चीजों और ऐसे लोगों से बचकर रहें। दूसरा, अगर आप इंटरकास्ट हैं, सेम रिलीजन के मानने वाले हैं, तो ही आप गाजियाबाद में आए, तभी आपका मैरिज यहाँ पर हो सकता है, न कि इंटर रिलीजन मैरिज गाजियाबाद में होता है। यानी हम एक लाइन में कहें तो यह कह सकते हैं, आप इंटर रिलीजन हैं, कहीं के भी हैं, तो आप यूपी के गाजियाबाद में अपना कोर्ट मैरिज करा सकते हैं, और इंटर रिलीजन है तो आपको यहाँ पर कोर्ट मैरिज नहीं होगा। केवल इंटरकास्ट कपल ही अपना कोर्ट मैरिज गाजियाबाद में करा सकते हैं, इंटर रिलीजन कपल को की कोर्ट मैरिज गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। एज की बात करें तो गर्ल की एज 18 से 21 वर्ष होनी चाहिए, दोनों के पास एज और एड्रेस से रिलेटेड एक एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, दो विटनेसेज भी मैरिज के लिए चाहिए होते हैं, विटनेसेज आपके रिलेटिव पेरेंट्स फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं। सेम डे में आपकी पहले आयुष्मान मंदिर में यहाँ पे शादी परफॉर्म होगी, और सेम डे कोर्ट से आपको कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि सेम डे जो सर्टिफिकेट मिलता है आप उसको गवर्नमेंट की वेबसाइट यूपी IGRSUP पर जाकर के इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, और अपने मैरिज सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, कोर्ट मैरिज में कितनी फीस होती है, अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है, या इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर मंडे टू संडे यानी सातों दिन सुबह 8 से शाम 8 बजे के बीच कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।